दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक मदनलाल जी, तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन कमल बंसा जी, हमारे यहाँ पे दो डीएम्स साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईशा जी, मेनिका जी, और सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे बुजुर्गों को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा प्रणाम। और मुझे आप लोगों की खुशी और उत्साह देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए खासकर हमारी माताएं, मैं देख रही थी कि जब भजन संध्या चल रही थी तो जो सबकी आंखों में खुशी थी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मैंने किसी की आंखों में खुशी नहीं देखी है। और जो आशीर्वाद आपकी आंखों की उस खुशी से मिला और जितनी मन की शांति मुझे मिली, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा काम हम करते होंगे जिससे इतना पुण्य और मन की शांति हमें मिलती हो। मैं ये सोचती हूँ कि हर बुजुर्ग का सपना होता है कि हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर चलाते हैं, मेहनत करते हैं, और जब एक उम्र पे आ जाते हैं तो सोचते हैं कि अब भगवान को और समय देने की जरूरत है। फिर हम सोचते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें हमारे बच्चे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर लेकर जाएंगे कि हम भी उस उम्र में आके अपने हिस्से का पुण्य कमा सके। और मुझे खुशी है इस बात की, और ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि दिल्ली के हर बुजुर्ग को अरविंद केजरीवाल जी जैसा बेटा मिला है, जिसने जिम्मेदारी ली है कि मैं दिल्ली के हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा करूं। कुछ महीने पहले एक तीर्थ यात्रा की ट्रेन अयोध्या गई थी, और मुझे याद है कि जब अयोध्या से ट्रेन वापस आई तो हम कुछ बुजुर्गों से मिले जो भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करके आए थे। उन्हें मंदिर देखने की, उस तीर्थ स्थान पर जाने की खुशी तो थी ही, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे कही, उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिस तरह हमारा ध्यान रखा इस पूरी यात्रा में, शायद हमारे अपने बच्चे नहीं रख पाते। हमें एसी की ट्रेन में भेजा, हमें एसी होटल में ठहरवाया, कभी एक मौका नहीं आया कि हमें लगा कि खाना टाइम से नहीं मिला, पानी टाइम से नहीं मिला, सुविधा टाइम से नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जितना हमारे बच्चे शायद हमारे लिए नहीं कर पाते, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। तो मैं सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचा, उनके दिल की बात को समझा कि इस उम्र में जिंदगी के इस पड़ाव पे आके वो भगवान के नजदीक आना चाहते हैं। और ये तीर्थ यात्रा योजना का आयोजन करने के लिए सर आपको सभी दिल्ली वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।